नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे गेहूं में जो खरपतवार होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से खरपतवार नाशक प्रोडक्ट आते हैं। आपको इस वीडियो में एक ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसका आप यदि इस्तेमाल करते हो विद इन 2 डेज के अंदर आप गेहूं में खरपतवार को कंट्रोल कर लोगे। ओके, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यह प्रोडक्ट किस किस खरपतवार को ख़त्म करता है, इसका फॉर्मूलेशन क्या है और इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और किस समय अवधि में हमें इस्तेमाल करना है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रोडक्ट हमें तब इस्तेमाल करना है जब गेहूँ की अवस्था 25 से 30 दिन की हो जाए या खरपतवार 2 या 3 पत्ती का हो जाए। खरपतवार कितनी पत्ती का होना चाहिए? 2 पत्ती या 3 पत्ती की खरपतवार होगी तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आप हमेशा विशेष ध्यान रखिए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है, नमी ना के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आज आपने गेहूं को पिलाया है, 7, 8 या 9 दिन के बाद आप देख लेना गेहूं में नमी, जमीन में नमी बहुत ही कम होनी चाहिए तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि यह सूखे की दवाई है। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन सी खरपतवार को ख़त्म करता है यानी कि नष्ट करता है। यह मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करता है यानी कि सरसों, मथुआ, मेथी, मोतिंगा, पालक, धनिया, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मूंगफली, इन सभी प्रकार की खरपतवारों को यह ख़त्म कर देता है। यानी कि लगभग सभी प्रकार की चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होगी उनको यह पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि यह वर्क कैसे करता है। इसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूलेशन है जो क्या करता है कि पत्तियों पे जैसे ही गिरता है तो वह पौधों की क्लोरोफिल को वही रोक देता है यानी कि ब्लॉक कर देता है क्लोरोफिल को पत्तियों की। अब बात करते हैं, जैसे ही पत्तियों पर ये दवाई का स्प्रे होता है तो उनका क्या है कि क्लोरोफिल बंद होने के कारण भोजन बनना बंद हो जाता है और भोजन जैसे ही बंद होगा तो पौधा ऑटोमेटिकली जड़ से सूख जाएगा। ओके, ये इस प्रकार से यह प्रोडक्ट वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलेशन। इसका फॉर्मूलेशन है 2,4-D इथाइल एस्टर 38% EC जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी यूज करना है। देखिए, आप 50 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। कितना? 50 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। और एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, नमी का बिल्कुल कम होना आवश्यक है। जी हाँ, नमी बिल्कुल कम होगी तभी यह प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखा पाएगा, अन्यथा नहीं दिखा पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण, जो भी हर्बिसाइड नामक प्रोडक्ट होते हैं, हमेशा आप किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो उन पर यह चीज़ें देखा करो। ये देखिए, आप जो भी हर्बिसाइड प्रोडक्ट होते हैं उन पर क्लियरली लिखा होता है हर्बिसाइड। ओके, अब बात करते हैं कि ये किस किस पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल होती है और कितनी कीमत होती है। तो पैकिंग की बात करते हैं तो 250 ml की पैकिंग है यह और मार्केट में 500 ml की पैकिंग यानी कि आधा लीटर 1 लीटर में भी मार्केट में अवेलेबल होती है। 250 ml पैकिंग की MRP मात्र 119 रुपये है जो कि काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। यानी कि एक बीघे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ml का। ओके, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित आपको कोई क्वेरी हो या आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट हुई है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अन्य किसान भाइयों को भी ज़रूर बताएं। यह प्रोडक्ट 2 दिन के भीतर ही आपको रिजल्ट दिखा देता है। ओके, इस चीज़ का आप हमेशा विशेष ध्यान रखिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह प्रोडक्ट ये देखिए आप, स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी का है जो कि इरेज नाम से आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के, जो कि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।